भारतीय रेलवे भी अब खुद को बदलने की कवायद में लगा है। रेलवे खुद को और ज्यादा अपग्रेड करने में लगा हुआ है और कुछ सालों बाद भारत में भी बुलेट ट्रेन आम हो जाएगी। जी हाँ, देश में पहली बुलेट ट्रेन 2023 में चलेगी। इसके साथ ही भारतीय उपमहाद्वीप में ट्रेन परिचालन के एक नए युग की शुरुआत होगी। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने बताया कि बुलेट ट्रेन परियोजना के विभिन्न चरणों पर चर्चा कर ली गई है। 2023 में भारत में बुलेट ट्रेन चलना शुरू हो जाएगी। पहली बुलेट ट्रेन से मुंबई और अहमदाबाद के बीच 508 किलोमीटर की दूरी करीब 2 घंटे में तय किए जाने की उम्मीद है। इस बुलेट ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 350 किलोमीटर प्रति घंटा है और परिचालन रफ्तार 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। पहली बुलेट ट्रेन से मुंबई और अहमदाबाद के बीच यात्रा करने वाले यात्री समुद्र के अंदर रेल यात्रा का रोमांच भी पाएंगे। इस रेल कॉरिडोर में 21 किलोमीटर की सुरंग समुद्र में होगी। इस परियोजना पर 97,636 करोड़ रुपए खर्च आएगा। खर्च का 81% जापान से कर्ज के तौर पर मिलेगा। हाई स्पीड ट्रेनों की दूसरे संभावित रूटों के बारे में पूछे जाने पर रेल मंत्री ने बताया कि देश के मेट्रोपॉलिटन शहरों को जोड़ने के लिए इस बारे में स्टडी की जा रही है और बाकी शहरों में भी इस परियोजना को चलाया जाएगा। यानी कुछ सालों बाद हमारे देश में भी जापान की तरह बुलेट ट्रेन दौड़ती नजर आएगी। NMF न्यूज की रिपोर्ट।